सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में समय समय पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और इन विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों को नुकसान पहुंचाना भी कोई नई बात नहीं है। इस देश ने वो वक्त भी देखा है जब मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ इस कदर विरोध प्रदर्शन किया गया कि ट्रेन फूंक दी गई थी। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात की धरती से ट्रेन फूंकने वालों को कुछ ज्ञान देने का एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे अगली बार जब ये उपद्रवी ट्रेन फूंकने जाएंगे तो 100 बार सोचेंगे। दरअसल कुछ महीने पहले मोदी सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी जिसके तहत 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट की बात कही गई थी। बस इसी बात से कुछ युवा इस कदर भड़क गए थे कि देश के तमाम हिस्सों में न सिर्फ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ बल्कि कई ट्रेनों में भी आग लगा दी गई जिससे रेलवे को भारी नुकसान हुआ। इस तरह से ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जिस तरह से आपकी बाइक आपकी है उसी तरह से ट्रेन जैसी सार्वजनिक संपत्ति भी आपकी है जिसमें आपका भी पैसा लगा है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में तोड़फोड़ मचाई जाती है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब कुछ ही दिनों पहले अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर गए थे तो उन्होंने मेट्रो के उद्घाटन के दौरान ऐसा सुझाव दिया था जिससे ट्रेनों में तोड़फोड़ को अंजाम देने से पहले युवा 100 बार सोचेंगे। दरअसल 30 सितंबर को पीएम मोदी ने गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 का उद्घाटन किया था। इसी खास मौके पर पीएम मोदी ने सुझाव दिया था कि छात्रों को इन मेट्रो स्टेशन पर लाया जाना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि ये मेट्रो कैसे बनी है, इसमें किसका पैसा लगा है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि इस काम में किस तरह की तकनीक लगी है तो ये बच्चों के विकास में भी काम आएगा। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है, हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। पीएम मोदी ने शिक्षा विभाग से खास अपील करते हुए कहा कि अगर आप मेरी नई पीढ़ी को बताएंगे कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को यह एहसास होगा तो वो कभी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी, उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है, लेकिन इसके लिए
हम सबका दायित्व है। हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। पीएम मोदी को ट्रेनों में तोड़फोड़ मचाने वालों को गुजरात की धरती से इसलिए नसीहत देनी पड़ी क्योंकि जब भी देश में विरोध प्रदर्शन होता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रेन होती है, जिसे हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में रेलवे को नुकसान, 2010 से 11 में रेलवे को 86 करोड़ 60 लाख का नुकसान हुआ था, 2011 से 12 में रेलवे को 21 करोड़ 35 लाख का नुकसान उठाना पड़ा, 2012 से 13 में रेलवे को 8 करोड़ 5 लाख का नुकसान हुआ, 2013 से 14 में रेलवे को 20 करोड़ 28 लाख का नुकसान हुआ, 2014 से 15 में रेलवे को 27 करोड़ 60 लाख का नुकसान हुआ, 2015 से 16 में रेलवे को 55 करोड़ 94 लाख का नुकसान हुआ, 2016 से 17 में रेलवे को 34 करोड़ 16 लाख का नुकसान हुआ, 2017 से 18 में रेलवे को 22 करोड़ 61 लाख का नुकसान हुआ, 2018 से 19 में रेलवे को 48 करोड़ 56 लाख का नुकसान हुआ, 2019 से 20 में रेलवे को 100 करोड़ 52 लाख का नुकसान हुआ, 2020 से 21 में रेलवे को 467 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ये तो साल 2021 तक के आंकड़े हैं। इस साल जून के महीने में तो महज 4 दिनों के अंदर ही रेलवे को 700 करोड़ का नुकसान हो गया था। रेलवे ने 18 जून को बताया था कि उसे 4 दिन के विरोध प्रदर्शन में ही 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने अब तक रेलवे की जितनी संपत्ति फूंक दी थी, उतनी संपत्ति का नुकसान तो रेलवे को एक दशक में भी नहीं हुआ। अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन में अब तक रेलवे को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि एक दशक में 425 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ था। ऐसे में आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने गुजरात में जो सुझाव दिया है, क्या उससे ट्रेनों में तोड़फोड़ की घटनाएं रुक जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।